हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल के चलते गहलोत के सामने मंत्रियों की तकरार सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच रेवेन्यू महकमे के काम पेंडिंग होने को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। हरीश चौधरी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। डोटासरा ने प्रशासन गांवों के संघ अभियान को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को आने पर लिया तो हरीश चौधरी ने भी जवाब दिया। डोटासरा ने बैठक में कहा कि प्रशासन गांवों के संघ अभियान के दौरान सबसे ज्यादा पेंडिंग काम राजस्व मामलों के हैं। राजस्व मंत्री चंडीगढ़ जाकर बैठ गए हैं। हम किससे जाकर कहें, तहसीलदारों की पोस्ट खाली है। प्रशासन गांवों के संघ अभियान में नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं दिए गए। डोटासरा ने जोहड़ की जमीन का भी मामला उठाया। इसी दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि आप काम बताइए, मैं चंडीगढ़ में बैठे बैठे ही सब कर दूंगा। फिर भी ज्यादा जरूरी हुआ तो चार्टर लेकर जयपुर आ जाऊंगा, आपके पास रहूं या चंडीगढ़ रहूं, जयपुर काम पर इसका फर्क नहीं पड़ता। इस पर डोटासरा ने पलट जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि आप चार्टर की दोष मत दिखाया करो। इसी दौरान इस नोकझोंक के बीच मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़ी हर खबर की सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।